जन्मभूमि टाइम से मैं हूं मेघा जैन और आप देख रहे हैं आवाज टीवी। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। मुख्य वन संरक्षक नरेंद्र कुमार सनोड़िया के निर्देशानुसार उप वन मंडल अधिकारी उकुवा वन मंडल बालाघाट प्रशांत साकरे के आदेशानुसार धर्मेंद्र बिसेन वन क्षेत्रपाल प्रभारी उड़नदस्ता वनव्रत बालाघाट के मार्गदर्शन में आज 19 अप्रैल को वन विभाग की उड़नदस्ता टीम ने ग्राम तीनगढ़ी सेमाटोला में छापामार कार्रवाई कर बीजा एवं सागौन प्रजाति के कुल 54 नग 0.327 घन मीटर चिरान एवं कास्ट जब्त किया है। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की उड़नदस्ता टीम ने ग्राम कुकरटोला में सर्च वारंट के साथ कार्रवाई की। इस कार्रवाई में शिशुपाल गणवीर वनपाल नरेंद्र कुमार सैंडे विजय भान नागेश्वर तिलक सिंह रांगडाले सौरभ यादव दिलीप पालेवाल वन रक्षक एवं शंभू यादव तथा उत्तर लामता वन परिक्षेत्र एवं लामता परियोजना मंडल का स्थानीय अमला श्री गोविंद वासनिक सहायक परियोजना अधिकारी मनोज कुमार झारिया क्षेत्र रक्षक द्वारा ग्राम दिनगढ़ी सेमरटोला निवासी पवन पिता चमरू पटले सदाराम पिता चमरू पटले शिवचरण उर्फ शिवरतन पिता चमरू पटले के घर में तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उक्त घर में बीजा एवं सागौन प्रजाति के चिरान एवं कास्ट जब्त की गई। विभागीय कार्रवाई पूर्ण कर वन विकास निगम लापता को अग्रिम कार्रवाई के सुपुर्द किया गया। सामने आए हैं किस तरह का प्रकरण है, पुलिस आरक्षक भी पकड़ा है, इसकी जानकारी आ रही है। हमारी वनमंडल अंतर्गत दक्षिण लामता वन परिक्षेत्र में 18-19 अप्रैल की दरमियानी रात लगभग 1-1.30 बजे चाचेरी वनव्रत है, उसकी चाचेरी भाग 2 बीट अंतर्गत सागौन का अवैध परिवहन करते हुए एक टाटा 407 वाहन जो है और 2 स्प्लेंडर बाइक जो है जब्त की गई। इसमें 11 नग लट्ठे जो है जब्त किए गए जिनकी मात्रा लगभग 1.329 घन मीटर पाई गई और मोटा मोटा लगभग 55-60 हज़ार इसकी कीमत बैठती है। इसमें जो मुख्य आरोपी है वो शैलेंद्र पिता त्रिभुवन सिंह हैं जो कि पुलिस लाइन में आरक्षक के पद पे हैं और इसके साथ ही 2 अन्य जो आरोपी हैं खिमेश्वर पिता देवीचंद सरेखा कोसमी निवासी और विजय पिता टेमचंद धुआरे ये भी भटेरा निवासी हैं, इन्हें भी हमने गिरफ्तार किया है। जानकारी लग रही है कि 2 अन्य आरोपी अभी फरार हैं, वो टाटा पिकअप थी उनकी उसमें फरार हो गए जिनकी शिनाख्त की जा चुकी है। एक सोना है धुआरे ये भटेरा निवासी है और एक राधे है ये भी भटेरा निवासी है, तो इनका अभी पतासाजी चल रही है, इनको भी जैसे ही विवेचना में आते हैं तो गिरफ्तार किया जाएगा। ये मूल उद्देश्य बता रहे हैं कि बालाघाट ला रहे थे जो सागौन के लट्ठे हैं बेचने के उद्देश्य से लाया जा रहा था, इसमें जो पिस्टल बरामद हुई है संबंधित पुलिस आरक्षक से उसे पुलिस लाइन में जमा करा दिया गया है और आगे की कार्रवाई इस संबंध में आदरणीय एसपी साहब कलेक्टर साहब महोदय देखेंगे। बता रहे हैं कि जो आरक्षक थे ऑन ड्यूटी थे और लेकिन सिविल ड्रेस में थे और नशे की स्थिति में भी थे वो, इसकी जो जानकारी एसपी साहब को भी दी जा चुकी है और आगे की कार्रवाई जो है उनके स्तर से जो भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सर पिस्टल के नोक पर जिस तरह से तस्करी हो रही थी तो क्या अमला को डराने धमकाने का भी काम किया गया जिस तरह जब्ती हुई उसको? हो सकता है इसका यह एक प्राइमा फेसी लग रहा है कि जो अपने पद का गलत उपयोग किया जा रहा था आरक्षक के द्वारा और इसमें जो वरिष्ठ अधिकारियों की बात हुई है संबंधित पुलिस विभाग से तो उसमें उचित कार्रवाई किए जाने के भी पूरा आश्वासन दिया गया है एसपी साहब द्वारा। आपके यहाँ से क्या कार्रवाई? अभी की खबर में बस इतना ही, देश दुनिया के बाकी तमाम खबरों के अपडेट के लिए आप देखते रहिए आवाज़ टीवी। नमस्कार।